मैक ओएस वेंचुरा मैक ओएस वेंचुरा फाइनली लॉन्च हो चुका है एंड मैंने कल ही अपडेट किया है। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए ऑलमोस्ट 24 आवर्स और सो हो चुके हैं। अगर आपके पास एक मैकबुक है तो ये वीडियो आपके लिए है एंड आज की वीडियो में वो सारे फीचर्स को कवर करेंगे। हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर वन, ये फीचर बहुत ज्यादा काम का है अगर आप लोग को ज्यादा मैसेजेस डिलीट करने पड़ते हैं एंड इफ यू बीन यूजिंग iOS 16, इसमें ऑलरेडी फीचर आ चुका था। वो बेसिकली आई मैसेज में अभी आप एडिट कर सकते हो, मैसेजेस डिलीट कर सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। अगर आपको कोई भी मैसेज सेंड करने के बाद एडिट करना है तो 15 मिनट तक वो मैसेज एडिट हो सकता है। सामने वाले को जिसको मैसेज मिल रहा है उसको ये दिख पाएगा कि आपने कौन से एडिट कितने बार किए हैं। तो गलती से किसी को भी कुछ गलत भेजने से पहले दो बार सोचना एंड एडिट करने जाओ तो एक ही बार एडिट करना। नंबर टू, अंडू सेंड या फिर डिलीट। मैसेज सेंड करने के 2 मिनट के अंदर ही आपको मैसेज को वापस बुलाना पड़ेगा। अगर 2 मिनट से लेट कर दिया तो हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके पास iPad है तो ये फीचर आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, इट इज कॉल्ड स्टेज मैनेजर। वेल बेसिकली ये एप्पल का मल्टीटास्किंग वर्जन है, मल्टीटास्किंग अल्ट्रा प्रो मैक्स। इसमें होता ये है कि जो आपका मेन ऐप होगा वो डिस्प्ले में सबसे सामने रहेगा एंड जो बैकग्राउंड ऐप्स है जिनमें आपको क्विकली स्विच करना होगा वो आपको लेफ्ट साइड में स्टैक देखने मिलेंगे। वेल इस चीज का फायदा ये है कि आप क्विकली किसी भी ऐप के बीच में स्विच कर सकते हो एंड क्विकली अगर आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है तो आपको एक एम्प्टी एरिया पे क्लिक कर देना है, आप इमीडिएटली डेस्कटॉप पर चले जाओगे। यहाँ पर आप मल्टीपल ऐप्स ग्रुप कर सकते हो, दैट मींस अगर आप मल्टीपल विंडोज ओपन कर रहे हो देन वो मिनिमाइज होने के बाद या फिर बैकग्राउंड में जाने के बाद एज अ ग्रुप स्टैक हो जाएंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ट्रेडिशनल मोड एंड स्टेज मैनेजर के बीच में क्विकली स्विच भी कर सकते हो, तो जब चाहिए जो मोड एकदम इजीली यूज कर लो, काफी अच्छे से आप प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अमेजिंग फीचर है ये। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग फीचर की तरफ जो फेस टाइम से रिलेटेड है। फेस टाइम कॉल जो है वो अपने मैकबुक में चला रहे हो तो वो आईफोन में ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा इशू था। आपको कॉल कनेक्ट करके आप डायरेक्टली दोनों भी डिवाइसेस के बीच में स्विच नहीं कर सकते थे, बट दिस इज नॉट फिक्स इन द मैक ओएस वेंचुरा, जहां पर आप इमीडिएटली एकदम आराम से मैकबुक एंड आईफोन के बीच में जो फेस टाइम कॉल से वो स्विच कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है। तो थैंक यू एप्पल फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस फाइनली। एंड सेकंड चीज, फेस टाइम कॉल्स में आपको लाइव कैप्शंस मिल जाएंगे। मतलब अगर आप कोई सीक्रेट लोकेशन पर जाकर अगर अपनी मीटिंग चला रहे हो देन बिना किसी की आवाज सुने आप डायरेक्टली लाइव कैप्शंस पढ़ सकते हो, बट दिस इज इन बीटा स्टेज, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ऊपर नीचे देखने मिल जाएगा। बट या दैट्स दैट फॉर द फेस टाइम फीचर। नंबर 4, कंटिन्यूटी कैमरा। और ये फीचर मेरे हिसाब से बाय फॉर द बेस्ट फीचर है बिकॉज यहाँ पर आप किसी भी वीडियो कॉल में या फिर फोटो बूथ में फोटो क्लिक करते टाइम या फिर फेस टाइम में कॉल करते टाइम आप अपने आईफोन को एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो एकदम सीमलेसली एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक कनेक्शन का भी फीचर आपको मिलता है। तो जैसे आपका फोन पास में होगा एंड आपने मैकबुक में अपना फेस टाइम कॉल स्टार्ट कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली आपके आईफोन के कैमरा को एज अ वेबकैम यूज करना स्टार्ट कर देगा एंड द क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग। अभी फिलहाल तो मेरे पास मैकबुक प्रो है एंड मैकबुक एयर एंड प्रो में अगर हम कंपेयर करें, एयर का वेबकैम वैसे भी थोड़ा सा कम क्वालिटी का है एज कम्पेयर टू द प्रो एंड प्रो इतना अच्छा क्वालिटी होके भी आईफोन के कैमरा से मैच नहीं कर सकता एंड दैट्स वेयर दिस फीचर कम्स इन। तो अगर आपके मीटिंग्स में एकदम हाईफाई एकदम HD फुल क्लैरिटी में आपको दिखना है तो डेफिनेटली डू ट्राई दिस आउट, बहुत अच्छा फीचर है। बट सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ पर आपको एक डेस्क व्यू वाला भी ऑप्शन मिलता है जहां पर आपके आईफोन के अल्ट्रा वाइड कैमरा को यूज करके वो अपने डेस्क पर आप क्या कर रहे हो वो दिख सकता है। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, बट इसको यूज करने के लिए यू हैव टू गेट एन अटैचमेंट जो आपके मैकबुक में यहाँ पे पीछे लगेगा एंड आपका जो फोन है कुछ इस तरह से ऐसे माउंट हो जाएगा अपने लैपटॉप के ऊपर एंड लैपटॉप के ऊपर माउंट होने के बाद आप तब यूज कर पाओगे। डेस्क व्यू एंड द कंटिन्यूटी कैमरा फीचर आर वेरी यूजफुल, वेरी अमेजिंग एंड आप एकदम इजीली एक्सेस कर सकते हो। नंबर 5, सिस्टम सेटिंग्स। एंड यहाँ पर फाइनली जो मैकबुक का सिस्टम है, जो मैकबुक के सेटिंग्स है वो चेंज हो चुके हैं। कन्फ्यूजन ग्रिड से एकदम लीनियर आईपैड स्टाइल ओएस में आपको इसके जो सेटिंग्स है वो देखने मिलते हैं। वेल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ ये बिकॉज जो पहले वाले सेटिंग्स थे उनमें सेटिंग्स ढूंढना नेविगेट करना बहुत ज्यादा हार्ड था, बट ये नए वाले सेटिंग्स बहुत ज्यादा इजी है, एकदम लिस्ट व्यू में सब चीज मिल जाता है एंड क्विकली आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। बट ये बहुत ही टाइम बाद ये चेंज आया है एंड दिस वाज अ मच नीडेड चेंज एंड यू कैन डेफिनेटली गो इनटू द सेटिंग्स, स्क्रॉल एंड फिगर इट आउट योरसेल्फ। तो डेफिनेटली ट्राई करना मैकओएस वेंचुरा में। टॉकिंग अबाउट अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, यहाँ पर लाइव टेक्स्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एंड फाइनली वीडियोस के अंदर जो टेक्स्ट है वो भी रिकॉग्नाइज होता है। वेल माइंड यू ये जो डाउनलोडेड वीडियोस है उन्हीं वीडियोस में जो टेक्स्ट है वो रिकॉग्नाइज कर पाता है। ब्राउजर में जाकर कोई वीडियो चला रहे हो तो उसके अंदर का टेक्स्ट
क्रिएट नहीं देखता या फिर नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता। तो जब वो सेम यूट्यूब वीडियो अगर मैं डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में या फिर मैकबुक में रख दूं एंड देन उसके क्विक टाइम प्लेयर से प्ले करूं, तब जाके वो कैन रिकॉग्नाइज इट, इट कैन कॉपी इट, इट कैन पेस्ट इट एनीवेयर। वेल, अगला काफी इंपॉर्टेंट फीचर इज द स्पॉटलाइट सर्च, एंड यहाँ पर स्पॉटलाइट सर्च काफी ज्यादा एनहांस कर दिया गया है। वेल, बेसिकली स्पॉटलाइट सर्च जो है वो आईफोन जैसा बन गया है, जहां पर आप ऐप सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली अपने वेब वाले फोटो सर्च कर सकते हो। डायरेक्टली स्पॉटलाइट सर्च में अपने फोटोज ऐप में अगर आपको कोई स्पेसिफिक फोटो सर्च करनी है तो वो भी आप डायरेक्टली स्पॉटलाइट से कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस स्पॉटलाइट फीचर इज द क्विक लुक। बेसिकली आप स्पॉटलाइट सर्च में किसी भी फाइल के ऊपर जाकर अगर स्पेस बार प्रेस करते हो तो वो एकदम पॉपअप होकर आपको दिख जाता है कि एग्जैक्टली क्या है, एंड नॉट नेसेसरीली कोई फाइल, अगर ये एक ब्राउजर है, वेब पेज है, तब भी वो एक क्विक लुक में ब्राउजर लोड होता है, पेज लोड होता है, एंड आप एकदम इजिली क्विकली देख सकते हो कि उस वेब पेज में क्या है। मेरी सबसे तो यार बहुत ही यूजफुल फीचर है एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट, क्योंकि पर्सनली बताऊं तो मैं आईफोन में स्पॉटलाइट सर्च बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। कभी भी कोई ऐप मुझे अगर चाहिए तो मैं ऐप लिस्ट में जाकर वो ऐप को सर्च नहीं करता हूँ, सीधा स्वाइप डाउन करके सर्च कर लेता हूँ, एंड सर्च करने के बाद ऐप या फिर वेबसाइट या फिर फोटो ओपन कर लेता हूँ। वेल, फाइनली आप फोटोज ऐप में जो हिडन फोल्डर है एंड जो रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर है उनको आप लॉक कर सकते हो, जैसे कि आईफोन एंड आईपैड में कर सकते थे पहले। सो फाइनली वो फीचर आ चुके हैं मैकबुक में। और एक इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि एक्सेसिबिलिटीज में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ऑडियो सेक्शन में आपको बैकग्राउंड नॉइजेस देखने मिलते हैं। सो बेसिकली व्हाइट नॉइज, अगर कोई यू नो रेन का साउंड, बैकग्राउंड साउंड, व्हाइट नॉइज, अगर आपको काम करते टाइम अगर आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बूस्ट चाहिए तो ये आवाजें लगा के आप काम कर सकते हो। एंड इट इज सेड कि ऐसे व्हाइट नॉइजेस अगर आप सुन के काम करते हो तो थोड़ा फोकस ज्यादा बढ़ता है। तो या दैट्स वन थिंग यू शुड डेफिनेटली सी। और भी छोटे मोटे काफी सारे फीचर्स है, जैसे कि वॉइस कंट्रोल हैंगअप, मतलब अगर आपने वॉइस कंट्रोल ऑन रखा है तो आप डायरेक्टली फेस टाइम या फिर कॉल को हैंगअप करके बोल सकते हो एंड डायरेक्टली जो कॉल है वो कट हो जाएगा। उसके बाद में बड़ी कंट्रोलर करके ऑप्शन है, जहां पर आप अगर गेमिंग खेल रहे हो तो दो कंट्रोलर साथ में मिला के एक सिंगल इनपुट दे सकते हैं। अगर मैं खेल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा नूब हूँ, मेरा भाई खेल रहा है वो एकदम प्रो है, तो वो सेम गेम खेलने में मेरी हेल्प कर सकता है अपने एक सेपरेट कंट्रोलर से। तो ये काफी अच्छा हेल्पफुल फीचर है अगर आप गेमिंग करते हो ज्यादा तो। एंड फाइनली क्लॉक एप्लीकेशन आ चुका है मैकबुक के अंदर। तो जो क्लॉक एप्लीकेशन आपको आईफोन में मिलता है मैकबुक में मिल जाता है। तो फाइनली आप अपने लैपटॉप पर भी टाइमर, स्टॉपवॉच या फिर अलार्म सब सेटअप कर सकते हो, वर्ल्ड क्लॉक वगैरह देख सकते हो। तो आई एम नॉट श्योर अभी मैकबुक को अपने बेड के साइड में रख के कौन अलार्म लगाने वाला है या फिर कौन टाइमर लगाने वाला है। बट वेल, बेसिकली ये थे मेरे हिसाब से जो सबसे हाईएस्ट हाईलाइटेबल इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैकओएस वेंचुरा जो आपको जानने ही चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। यार वीडियो पसंद आती है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डू व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक, एंड डू कमेंट योर फेवरेट थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।